वेलकम टू मैथ विद रविलोजी। हम नाइन्थ क्लास की मैथ पढ़ेंगे और प्रश्नावली उसकी है 2.3। 2.3 के हम सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल हमसे कहता है कि एक्स घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर शेषफल लिखा है, शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर किसका भाग लगाना है वो बता रखा है। पहले सवाल में लगाना है एक्स प्लस 1 का भाग लगाना है, तो आप एक्स प्लस 1 का डायरेक्ट तो भाग नहीं लगा सकते, यानी कि यहाँ पर इसमें आपको देख पा रहे होंगे एक्स अक्ष नज़र आ रहा है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू अपने पास पता हो तो x की वैल्यू को हम इस समीकरण में रख दें, तो इससे अपना काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x प्लस 1 लिखा है यहाँ पर, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखने से क्या हुआ कि ये 1 इधर आ जाएगा और x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो ये 1 प्लस का इधर आ गया बराबर से इधर 0 की तरफ, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब क्या करना है, इस पूरी समीकरण में माइनस 1 को रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी समीकरण में माइनस 1 रख देता हूँ। देखेंगे ध्यान से, माइनस 1 लिखा है और उसकी घात कितनी है 3, इस वाले समीकरण में रखना हो। फिर प्लस, प्लस तो है ही, फिर 3 तो है ही सवाल का, फिर माइनस 1 है ना और उसका स्क्वायर है, फिर प्लस 3 है और माइनस का 1 है और प्लस 1 है। देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, माइनस 1 को यहाँ पर 3 बार गुणा करना, ध्यान से देखना, मैं साइड में बता रहा हूँ। माइनस 1 को 3 बार गुणा करने पर क्या होता है, देखो 2 बार गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन 3 बार गुणा करोगे तो माइनस 1 ही आएगा। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा और उसका उसके ऊपर 3 घात है तो माइनस आएगा। मतलब अगर घात विषम है तो माइनस आएगा और घात सम है तो प्लस आएगा। ये आप इस बात को अपने दिमाग में याद रख लेना। अब हम करते हैं, देखो माइनस 1 का तो यानी क्या बना, यहाँ पर माइनस 1 बना, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करो तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ क्या बना, प्लस का 3 बना, फिर प्लस ये देखो 3 का माइनस 1 से गुणा हुआ, तो यहाँ पर क्या बना, माइनस 3 बना। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस 3 बना और यहाँ पर ये प्लस 1 है ही। अब या तो आप माइनस माइनस को प्लस प्लस को जोड़ लो, देखो 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना बना, माइनस का 4 बना, और 3 और 1 को जोड़ोगे तो इसी बना प्लस का 4। अब माइनस के 4 में से प्लस का 4 गया, 0 आ गया। और यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं देखो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ यहाँ पर आपको, आप यहाँ डायरेक्ट समझ लेंगे। अगर ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया और बराबर 0 आ गया, ये भी आप समझ सकते हो। तो काफ़ी इजी सवाल है और यही सवाल मैंने इस चीज़ को यहाँ पर कर रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सवाल यही तो है जो मैंने पूरा समझा रखा है। देखो मैं बार बार इस सवाल को ऐसे लिख के नहीं करवा सकता क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है और वीडियो को छोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि इतना छोटी सी बात को इतनी लंबी 10-15 मिनट की वीडियो में बनाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपका ही समय खराब होगा। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैं ऐसी बना रहा हूँ। अब दूसरा सवाल करते हैं इसका। इसमें हमसे कहा गया है कि एक्स माइनस 1/2 को रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1/2, क्योंकि इसको 0 के बराबर रखना है तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखना बराबर से इधर आने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है और प्लस की माइनस की हो जाती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने प्लस का कर दिया, अब वही देखो यहाँ पर प्लस का 1/2 हो गया, तो 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर वापस, फिर 3 1/2। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1/2 को 3 बार गुणा करना, ध्यान रखना इस प्रकार से 1/2 3 का मतलब जो 2 × 4 और 4 × 8 मतलब ये बना दे 1/8 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार करेंगे तो 2 × 4, तो देखो तो 1/4 लिख रखा, और कोष्ठक के बाहर 3 तो है ही, और यहाँ पर 3 × 1/2 कर दिया, फिर 1। अब यहाँ पर बड़ी ही ध्यान से एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले गुणा करूँगा, यहाँ तो 1/8 ही बना, 3 को 1 से करूँगा 3/4 बना, यहाँ पर 3/2 बना और यहाँ पर 1/1। एलसीएम कैसे लेंगे, जो हर में जो संख्या होती है वही ले लेते हैं, तो हर में क्या संख्या नजर आ रही, 8। 8 लेने पर क्या होगा कि सबका भाग इसमें चला जाएगा। सबसे पहले 8 को 8 से डिवाइड करते हैं एक बार, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है। फिर 4 को 8 से डिवाइड करते हैं कितनी बार, 4 × 8 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करा 6 आ गया। 2 को 8 से डिवाइड किया कितना आया, 2 × 8 4 बार, और 4 को वापस इस 3 से गुणा किया तो 4 × 3 = 12। फिर वापस 1 को 8 से भाग लगाया और वापस 8 को 1 से गुणा करके 8 आया। तो आप समझ गए होंगे कैसे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना या मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए, एलसीएम लेना नहीं आता तो आप ज़रूर सीखो। सबसे पहले तो मेरी वीडियो पढ़िए, आप वहाँ पर जाकर देख लेना एलसीएम कैसे लेते हैं। ये 8 है नीचे हर में, और ऊपर सारी संख्या प्लस की है, सबको जोड़ लेंगे, 12 और 8 20, 20 और 7 27, तो 27/8 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर x प्लस एक्स माइनस 1/2 का भाग अगर आप लगाते हो उस समीकरण में तो क्या होगा, ये आएगा 27/8 शेषफल बचेगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल करना है। इसमें हमसे कह रखा है कि x का मान क्या 0 रखना है, तो रख दो 0। आपको पता है 0 रखोगे तो जहाँ जहाँ 0 0 है 0 से गुणा होगा वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 लास्ट में था इसलिए
एक बच गया और एक आंसर आ गया। फिर देखो आप इसमें x प्लस पाई रखने को लेके रहा है, तो x प्लस पाई मतलब x बराबर क्या हो गया, माइनस का पाई। माइनस का पाई रखेंगे समीकरण में, माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 माइनस का पाई का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा मैंने, तो तीन बार गुणा करने पर ही पाई बनता है, फिर 3 पाई स्क्वायर, फिर 3 पाई और 1, पूरी की पूरी एक ही समीकरण ऐसे कैसे रखने देते, क्योंकि इसमें पाई वाला कोई जुड़ेगा नहीं, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। अब रखते हैं 5 प्लस 2x, तो इसको 0 के बराबर रखा है यहाँ पर, तो असल में 2x बराबर तो माइनस का 5 है, और ये 2 गुणा है इधर जो गुणे का भाग में जाता है, तो ये 5/2 हो गया। x का मान क्या हो गया, 5/2, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 5/2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, बस खाली मान रखते हैं। देखो समीकरण में मान रखा, वो समीकरण वही है पहले सवाल वाली, तो माइनस 5/2 की घात 3 स्क्वायर फिर इसका, फिर एक बार गुणा, तो माइनस 5/2 को 3 बार गुणा करना, ध्यान रखना। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर घातें विषम है, घात विषम है, देखो 3 है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस वाली संख्या ही आएगी, तो ऊपर होगा 5 में 25 और फिर 25 को 5 से करो 125, देखो 125 लिखा हुआ है, फिर 2 से 2 दुनी 4 और 4 का 2 से 4 दुनी 8, ये लिखा है 125/8 लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट इसको 2 बार गुणा करना है आपकी बार, तो देखो 2 बार गुणा करने 5 में 25 और 2 दुनी 4, ये देखो 25/4 लिखा है, और 3 तो कोष्ठक के बाहर है। फिर वापस एक बार, तो 5/2 एक बार ही लिखा हुआ है, तो अब की बार एक बार ही कर देते हैं, और बार 3 लिखा है तो 5 से 15 गुणा कर दिया इसने। फिर क्या करते हैं, बस एलसीएम लेते हैं, तो 125 माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम आ रहा देखो नीचे, तो 8 एलसीएम लिया, भाग लगाए, एलसीएम देके देखा, ये 185 + 58 आया, तो 185 में 58 बाकी निकाला, तो क्या बना, 27/8 बना, लेकिन ये माइनस वाला 27/8 बना। इस प्रकार से आप इसको कर लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये आपको वीडियो आराम से मैं रोक रोक के करवा रहा हूँ, आराम से आप इसको देख के लिखोगे ना, मेरे को पूरा विश्वास है कि समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं, दूसरे सवाल में भी हमसे भाग विधि के बारे में पूछा है, लिखा है कि एक समीकरण दे रखी है और x माइनस ए से उसको डिवाइड करना है, भाग लगाना है, तो x माइनस ए मतलब क्या होगा, x का मान क्या आया, a आ गया, क्योंकि ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, देखो x बराबर a आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख देंगे, यहाँ x है a रख दिया, 1 की घात 3, फिर a 1 स्क्वायर, फिर 6a - a, तो देखो 1 की घात 3, यहाँ पर इसको गुणा किया a स्क्वायर को 1 से गुणा किया, ये भी 3 बन गया, फिर 6a + a, ठीक है, तो 1 की घात 3 2 बार आ गया, इसलिए कट गया, बचा गया 6a - a, तो 6 में से 1 गया 5, तो ये बना 5a, और यही आपका आंसर है, काफ़ी सरल है ये भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी का, इसमें हमसे कह रखा है कि इसमें ये चेक करवा रहा आपने से कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जांच करना कि ये समीकरण है ना जो इसका गुणनखंड है कि नहीं, किसका, इस वाले का, ये इस वाली समीकरण गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, तो मतलब x का मान कहाँ से निकलेगा, इस वाले से निकलेगा, लिखते हैं x + x = 3x कर देते चलो, ठीक है, और इसको एक माइनस का होगा, यहाँ से मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ है ना, 3x + 7 लिखूँ और बराबर 0 रख दूँ, तो 3x = क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। अब देखो गुणे में वो भाग में जाएगा तो क्या हुआ, 3 हो गया, तो माइनस का 7/3 आ गया, देखो यहाँ पर माइनस का 7/3 लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना, ये देखो अब जैसा जैसा समीकरण में कह रहा है मान रख देना, 3x³ और 7x, मैंने मान रख दिया 7/3 को 3 बार गुणा कर दिया, फिर ये ऐसा कर दिया, 7/3 को 3 बार गुणा, देखो विषम संख्या है, तो मैंने बताया आपको मान आएगा विषम ही, समझ में आ गया बात, विषम ही आएगा, विषम संख्या, देखो माइनस ही आया। फिर देखो 7 का 7 = 49 और 49 को 7 से करो तो 343 आता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, फिर 3 को 3 से 3 = 9 और 9 को 3 से 9 = 27, मैंने 27 लिख रखा यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर 7 को 7 से करो 7 49/3 आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे क्योंकि नीचे भी 27 है 3 है, तो 27 एलसीएम ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, और नहीं लेना पता चलता तो गुणा करके देख लो, क्योंकि अभी तक इसको 3 से गुणा भी करना है, तो 3 से गुणा करने के बाद ये अगर इसको काटना चाहो इसको और इसको अंदर वाले को तो काट लो, और नहीं काटना चाहो तो भी काम चल जाएगा। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आगे ये पूरा सवाल यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट में 490/9 इसका आंसर आ जाएगा। मेरे को पूरा विश्वास है, मैं रोक रहा हूँ वीडियो को, आराम से लिख लेना इसको, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं और आपका ही फ़ायदा होगा इसमें, हमेशा आपका फ़ायदा होता है, इसी में वीडियो बनाता हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, जय हिंद।